तो ध्यान दो बच्चों, ये क्वेश्चन करना है, आईआईटी का आया क्वेश्चन, ये भी है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, है ना, फाइंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इफ सक्सेसिव टर्म्स ऑफ जीपी आर साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब जीपी के जो तीन टर्म्स हैं वो ट्रायंगल की साइड्स बना रहे हैं, तो हमें जीपी का कॉमन रेशियो निकालना है, क्या होगा। देखो ध्यान दो, हम ये मान लें कि लेट, है ना, थ्री टर्म्स आर ए ए आर ए आर स्क्वायर, हमने ऐसा मान लिया कि मान लो तीन टर्म्स ये है जीपी के। एक्चुअली जो ए है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर ये ट्रायंगल की साइड्स बना रहे हैं तो ये तीनों टर्म्स को पॉजिटिव होना चाहिए, और आर भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ए या आर में से कोई एक नेगेटिव हो गया तो ये टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे, और ट्रायंगल की साइड नेगेटिव कभी होती नहीं है, है ना। तो ए और आर को दोनों को पॉजिटिव होना चाहिए, पहली बात तो ये ध्यान दो, ठीक। आप ऐसे मान लो अगर आर जीरो और वन के बीच में होगा तो क्या होगा। देखो इस केस में ए ए आर ए आर स्क्वायर, तो ए सबसे बड़ा होगा, ए आर उससे छोटा होगा, और ए आर स्क्वायर उससे छोटा होगा अगर आर जीरो वन के बीच में होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आर जीरो वन के बीच में है तो सबसे बड़ी साइड ए है, बाकी दोनों साइड छोटी है। तो देखो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि दो छोटी साइड्स का सम हमेशा बड़ी साइड से ज्यादा होना चाहिए। वैसे तो किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर मान लो, है ना, बताया था मैंने पहले भी आपको ये कि मान लो जैसे कि तीन साइड्स है, ए बी से बड़ा, बी सी से छोटा, तो भाई ए प्लस बी तो सी से बड़ा वैसे भी होगा, क्योंकि ए अकेला ही सी से बड़ा है, और इसी प्रकार बी प्लस सी भी, है ना, इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ए प्लस सी भी बी से बड़ा होगा, क्योंकि ए अकेला ही बी से बड़ा है। तो ऐसे केस में इंटरेस्टिंग ये होता है कि बी प्लस सी ए से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तो ऑब्वियस हैं। मान लो ट्रायंगल की तीन साइड्स हैं और ए सबसे बड़ा, फिर बी, फिर सी, तो अगर हम ए प्लस बी करेंगे तो वो सी से बड़ा होना ही है, है ना, और अगर हम ए प्लस सी करेंगे तो बी से बड़ा होना ही होना है। तो इंटरेस्टिंग होता है कि दो जो छोटी साइड्स हैं उनका सम बी से बड़ा है कि नहीं है, ये इंटरेस्टिंग होता है। तो इसीलिए दो छोटी साइड्स का सम हमने बी से बड़ा कर दिया, ठीक है। अब देखो ए पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो ए से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये होगा आर प्लस आर स्क्वायर ग्रेटर देन वन, तो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, ए से डिवाइड कर दिया क्योंकि ए पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ पर इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो आर की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, तो वो आ गया माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू, और माइनस वन माइनस रूट फाइव बाई टू। तो देखो अगर हम इसको पॉजिटिव कर रहे हैं तो वेबिकर मेथड से आर क्या होगा, लेस देन दिस होगा, है ना, और दूसरा केस देखो आर का क्या होगा, ग्रेटर देन दिस होगा, है ना। आर की देखो यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन आर की ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आर को पॉजिटिव लेना है और ये वैल्यू नेगेटिव है, तो ये पॉसिबल नहीं है, आर इससे छोटा नहीं हो सकता क्योंकि आर पॉजिटिव लेना है, तो एक पॉसिबिलिटी मिली, ठीक। दूसरा केस देखो, अगर मान लीजिए आर वन हो गया तो क्या होगा, देखो ये तीनों बराबर हो जाएंगे, ए ए ए, तो ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर हो गई, तो मतलब ये ट्रायंगल कैसा हो गया, बोलो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया अगर आर वन हो गया तो, तीनों साइड्स बराबर हो गई तो, ठीक है। अच्छा अब देखो तीसरा केस, मान लीजिए आर वन से बड़ा है, देखो तीसरे केस में मान लिया आर की वैल्यू वन से बड़ी है, अब अगर आर वन से बड़ा है तो देखो क्या होगा,
सबसे बड़ी साइड होगी ए आर स्क्वायर, उससे छोटी ए आर, उससे छोटी ए, है ना। तो अब देखो क्या हुआ कि दो छोटी साइड्स का सम बड़ी साइड से ज्यादा होना चाहिए, है ना। देखो ये दो छोटी साइड्स हो गई, कौन कौन सी, ए और ए आर, ये बड़ी साइड से ज्यादा होना चाहिए। ए पॉजिटिव है डिवाइड कर दूं तो 1 प्लस आर ग्रेटर देन आर स्क्वायर। अब क्या हुआ देखो, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 लेस देन 0। फिर देखो आर के दो फैक्टर्स आएंगे, क्या बोलो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। तो ऐसे आएगा देखो, तो r के दो रिजल्ट हो गए, 1 प्लस रूट 5 बाई 2, दूसरा 1 माइनस रूट 5 बाई 2। ध्यान दो, अब हमें वेविकर मेथड लगाना है, तो r की वैल्यू देखो हो जाएगी, है ना, ये 1 माइनस रूट 5 बाई 2 से लेकर के 1 प्लस रूट 5 बाई 2 तक, है ना, क्योंकि देखो लेस है यहाँ पर, यहाँ ग्रेटर था, तो इस केस में या तो छोटे वाले से वैल्यू छोटी या बड़े वाले से बड़ी, है ना, और यहाँ पर लेस है, तो इस केस में आर की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के बीच में होगी। अब देखो आर पॉजिटिव है तो ये टर्म निगेटिव है, तो r को हम लिखेंगे फ्रॉम 0 टू 1 प्लस रूट 5 बाई 2, क्योंकि r नेगेटिव नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे देखो, इसका और इसका लेंगे इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन, हम क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे यूनियन, क्योंकि या तो r 0 1 के बीच में होगा, या r ऐसा होगा, या r ऐसा होगा, तो इन तीनों का हम यूनियन लेंगे आर की तीन वैल्यूज का, देखो, है ना। ये क्या कहता है, ये कहता है आर, है ना, ठीक है, आर की देखो तीन वैल्यूज जो आई हैं, है ना, हम उन तीनों का यूनियन लेंगे, या तो आर जीरो वन के बीच में होगा, है ना। अच्छा देखो एक बात और ध्यान दो यहां पर, जैसे यहां पर हमें जो आर चाहिए वो 0 1 के बीच में चाहिए और r की वैल्यू ये आई है, तो देखो क्या होगा, थोड़ा सा यहां पर ध्यान दो कि ये जो वैल्यू है रूट 5 माइनस 1 बाई 2, है ना। देखो एक्चुअली होता क्या है, यहां पर ये कह रहा है कि r 0 1 के बीच में होना चाहिए, है ना। एक्चुअली जब हम लोग पढ़ते थे स्टार्टिंग में फंक्शन हम लोग करते थे, तो उसमें क्या होता है देखो कि r की इस वैल्यू में ये आंसर आया, तो इन दोनों का भी पहले हमें इंटरसेक्शन लेना चाहिए, है ना। तो जैसे r की वैल्यू है 0 1 के बीच में और आया r आया है ये, तो पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ये क्या है देखो, रूट 5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग माइनस 1, तो 1 पॉइंट समथिंग, तो देखो ये 1 से छोटी वैल्यू है, है ना। तो अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो r आ जाएगा माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 2 से लेकर के 1 के बीच में, ठीक, यहां पर r 1 है। अच्छा ये है r ग्रेटर देन 1, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, है ना। तो जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे देखो, है ना, तो r आ जाएगा 1 से लेकर के 1 प्लस रूट 5 बाई 2 के बीच में। तो देखो r की तीन वैल्यूज आई हैं। अब फाइनली ये वैल्यू मान लीजिए है a, और ये वैल्यू मान लीजिए है b, और ये वैल्यू मान लीजिए है c। तो अब हमें a b c तीनों का यूनियन चाहिए होगा, a यूनियन b यूनियन c, है ना। पहले क्या किया, r की वैल्यू 0 1 के बीच में ली, उसमें r को निकाला, उन दोनों का इंटरसेक्शन। अब देखो इंटरसेक्शन में लेके दिखाया नहीं, क्योंकि हम लोग इतने बार इसको कर चुके हैं, ये हमें आता है, है ना। फंक्शन में हम लोगों ने इतने ज्यादा सवाल इसके किए हैं, क्योंकि इसलिए पहले मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया था कि यूनियन इंटरसेक्शन हम आसानी से समझ पाए कैसे लेना है कैसे नहीं, है ना, क्योंकि वो इतना बेसिक है, हर जगह उसका यूज है, उसके बिना आगे कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए फंक्शन हमने पहले पढ़ा है, इनइक्वालिटी हमको आता है, तो हम लोगों ने इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट्स,
फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो तीन आंसर आए, ए आंसर, बी आंसर, सी आंसर। इन तीनों का जब हम देखो यूनियन लेंगे, यूनियन भी क्या होता है, यहां पर देखो वन कवर नहीं हुआ, यहां वन कवर हुआ, यहां कवर हुआ, तो आर की वैल्यू फाइनली हो जाएगी क्या बोलो, माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू से लेकर के वन प्लस रूट फाइव बाई टू तक, ये हमारे क्वेश्चन में देखो आर की वैल्यू का फाइनल आंसर हो जाएगा, ध्यान दो, है ना, यही देखो हमारा आंसर हो गया। आर क्या हो गया, रूट फाइव माइनस वन बाई टू से लेकर के रूट फाइव प्लस वन बाई टू, ये आर की वैल्यू का देखो हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन भी है, लेकिन आई आई टी का आया हुआ क्वेश्चन है तो इसलिए अच्छा क्वेश्चन है काफी। लिखो जरा ध्यान से बच्चों इसको।